मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज इस व्लॉग के अंदर हम लोग लाए हैं हमारी बुक स्कूल वाली। अब हम लोग हो गए हैं, मैं हूं 7th में। इतनी खुशी मुझे। एंड ऋषि हो गया है, कौन सी में हुआ था तुम? ऋषि हो गया है 4th में। एंड हम लाए हैं हमारी न्यू नई नई किताबें। भाई तेरे को बोलना ज्यादा जरूरी रहता है क्या? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। फिर क्या होता है? जे पढ़ी है हमारी नई नई सी पुस्तकें। आई माँ जोर से लगी। हाँ पाप नहीं लगा मेरे को क्योंकि मैंने इतना जोर से नहीं मारी। बहुत जोर से लगी है नू बड़े। एंड ये है मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग। देखो मैंने हमेशा ना एक जुगाड़ लगाता हूँ, मैं बुक्स के साइड में लिख लेता हूँ, फिर बाद में ऐसे खोल के अंदर से देखने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड जे ली हमारी प्याली प्याली सी नई नई सी मोतू मोतू सी तो नहीं कह सकते पर हड्डी हड्डी सी पुस्तका। और ये है मेरी एक नोटबुक जिसको भी आप लोग देख सकते हैं। वो साइड में पड़ा है हमारा बैग भैया जी, जिससे अभी हमने को कोई मतलब नहीं है। एंड ये है मेरी प्यारी सी मोस्को वाली बुक। बुक भी नहीं, नोटबुक है पर है एकदम बुक की जैसे। एंड हमारे लगा है एक न्यू सब्जेक्ट जिसकी भी आप सब लोग देख पा रहे हो, हमारे लगा है बायोलॉजी। बट ये अभी नोटबुक है, अभी हमें बुक नहीं मिली है। भाई मेरे को तो देख कर इसको ना एकदम मजा सा आ गया इसके अंदर ना। भाई खुल जा, इसके अंदर ऐसे काफी सारे ड्राइंग बने। वैसे इन्हें बोलते क्या है, चलो उन सबको छोड़ो, इसको रखो साइड में। एंड ये रही हमारी कई सारी सी बुक्स, ग्रामर की है, जीके की है, ऐसे काफी सारी हमारे पास पड़ी है बुक्स। अगर लेनी हो तो हम नहीं देंगे, दुकान से जाकर ले लेना क्योंकि आजकल बुक्स बड़ी महंगी आती हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो देखो अभी तो मेरी बुक्स लगती हैं कुछ ऐसे। तो देखो मानो कि अगर आपकी बुक्स अगर कहीं पर पड़ी हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी बुक है ये, तो फिर वो देखने के लिए ये आप मेरा सस्ता वाला जुगाड़ अपना सकते हैं। क्योंकि देखो मेरी सारी सारी बुक्स का कलर एकदम सेम है। आप कई सारे लोग कहेंगे ऊपर से भी यहाँ पर लिख सकता था, बट नहीं यार यहाँ पर से फिर दिखता नहीं क्योंकि बाकी बुक्स को उठाना ही तो नहीं है ना मैंने, क्योंकि हम आलसी होते हैं। और ये रही हमारी प्यारी प्यारी सी बुक्स जैसे कि बाप से लोग देख पा रहे हैं। और साइड में पड़ा है प्यारा प्यारा सा बैग। भाई तू बार बार बोलता क्यों रहता है और तू वहाँ पर क्या कर रही है? मेरी मर्जी, हमें न्याय चाहिए मालिक। तुम्हें नहीं मिलेगा न्याय क्योंकि तुम मोतू मोतू सा है और तुम मेरे अभी किसी काम का ना है। एंड ये रही फ्रेंड्स हमारी मोतू मोतू सी तो नहीं पर पतलू पतलू सी असली मोटू साइड में बैठा है। चुप बिल्कुल चुप। फ्रेंड्स देखो सपने में देखा था जिसको आज भी दिन आया है। मैं 7th क्लास में आया है, मैं 7th क्लास में आया है, रोल नंबर का 16 अब 7 बन गया है। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। फ्रेंड्स आज हमारे चैलेंज का डे 1 है एंड आज हमें 99 व्लॉग्स अभी और अपलोड करने हैं बिना रुके। एंड अगर मैं किसी दिन भी अगर हार जाता हूँ तो फिर बड़ा बुरा होगा। एंड मेरे को अब ये भी ऐसा लगा कि मैं ऐसे स्टाइल में बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा हूँ। सही पकड़े हैं, तब इस वाले स्टाइल से नॉर्मल वाले स्टाइल में आ जाता हूँ। एंड ये हमारे चैलेंज का डे 1 एंड अब डे पता नहीं अब 99 डेज और बचे हैं। एंड मैं कहता हूँ कि जल्दी से हमारे 99 डेज पूरे और मैं किसी एक आधे दिन की छुट्टी ले पाऊँ कि मेरे को लगा था ब्लॉगिंग करना काफी ज्यादा आसान है इसलिए मैंने चैलेंज तो ले लिया, बट आज मेरे को पता चला कितना मुश्किल काम है ब्लॉगिंग करना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड आज है हमारे ब्लॉग का डे 1। वैसे मैंने ये बात बहुत ज्यादा बोल दी तो फिर अब मेरे को बोलने की क्या जरूरत थी। बात तो सही है। अभी तो हम लोग बातें करेंगे कुछ रीजंस के बारे में कि मैं शॉर्ट ब्लॉग क्यों अपलोड करता हूँ, मैं इतना ज्यादा ब्लॉग क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाता। तो देखो रीजन नंबर 1 ये है कि शॉर्ट ब्लॉग मैं इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि मेरा और आपका भी टाइम बच पाए क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं इतना ज्यादा। एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखो और आपका इतना टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जस्ट एक एक दो दो मिनट के ही ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जब कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तब मेरे को भी ये लगता है कि ये क्या बना दिया है मैंने, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं छोटा सा एक आम सा एक ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ, एक नॉर्मल सा एक ब्लॉग बना पाऊँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और रीजन नंबर 2 कि मैं इतने ज्यादा व्लॉग शूट क्यों नहीं करता, जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं क्यों नहीं शूट करता। तो देखो अभी अभी हमारे हुए थे एग्जाम, तब तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया, अभी भी मैं व्लॉग नहीं शूट करता क्योंकि देखो अभी अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले ही, कुछ ही टाइम तो नहीं अभी तो 2-3 हफ्ते हो गए, चलो छोड़ो, अभी मैंने नए नए व्लॉग स्टार्ट किए अपलोड करना, फिर जब मेरे को आदत हो जाएगी तो मैं थोड़े थोड़े से बड़े व्लॉग्स अपलोड करूंगा।
फिलहाल अभी तो मैं छोटे व्लॉग्स अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरे को भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड इजीली मैं छोटे व्लॉग्स अपलोड करता हूँ और मैं इतना रिकॉर्ड भी नहीं करता। एंड फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। इफ यू एंजॉय द व्लॉग वीडियो को करके लाइक बजा दो, बेल बटन ली, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।